Just the feel of this, you know. Good afternoon, friends. Today we are at MG Motors, Patparganj showroom. We have the sales consultant with us, Vipin Arorji. We are sitting in a HECTOR vehicle, which is a petrol vehicle. And now we will ask Vipin ji to tell us about the features. So, Vipin ji, we would like to know that HECTOR MG Motors ka ek premium product. How many versions are there? And what are the petrol ke kya features and diesel ke kya features? Sir, इसमें अगर मैं बात करूँ पेट्रोल हाइब्रिड में तीन मॉडल आते हैं. सेकंड हमारा आता है सुपर स्मार्ट एंड सार्फ. सार्फ हमारा टॉप मॉडल होगा, जिसमें हमारा पैनिक सनरूफ जो होगा वो सिर्फ हमारा टॉप मॉडल में होगा, जो हमारा सार्फ मॉडल है. बाकी इसमें 48 वाट की बैटरी आती है, जिसे हम माइल हाइब्रिड के नाम से जानते हैं. इस गाड़ी को माइल हाइब्रिड होगी. स्टार्ट स्टॉप जो होती है हमारी बैटरी पे होती है. देन इसमें और जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन आता है वो में जो बैटरी आती है वो 12 वाट की बैटरी आती है. 12 वाट, राइट. तो जो पेट्रोल व्हीकल है उसमें मैं देख रहा हूँ कि हमने अभी टेस्ट ड्राइव किया था, तो इसका जो रोड ग्रिप है वो अच्छा है. और डीजल और पेट्रोल में जो इंजन कैपेसिटी है वो कितनी, क्या डिफरेंसेस है? सर, पेट्रोल में जो इंजन होगा 1.5 लीटर इंजन होगा, जो 143 पीएस पावर एंड 250 टॉर्क के साथ होता है. राइट. सो व्हाट इज द फ्यूल एफिशिएंसी उसकी जो रहेगी? सर, राउंड 15-16 फ्यूल एफिशिएंसी होती है. इन सिटी नहीं, हाईवे पे रहेगी. और जो डीजल वर्जन रहेगा उसका जो इंजन है उसमें जो डीजल का इंजन होगा वो 2 लीटर इंजन होगा. 2 लीटर इंजन होगा. उसकी जो माइलेज होगी इन हाईवे आपकी राउंड 18-19 माइलेज होती है. तो वाइज डीजल ज्यादा क्यों दे रही है? सर, माइलेज नॉर्मली अगर हम बात करें, कैपेसिटी आप बता रहे हैं कि उसकी ज्यादा है. हाँ, बट पावर ज्यादा, क्योंकि सर डीजल इंजन का देखो 2000 सीसी का इंजन है. अगर माइलेज ज्यादा इसलिए दी, नॉर्मली पेट्रोल और डीजल की माइलेज दोनों में फर्क होता है. डीजल की जितनी भी गाड़ियां होंगी वो आपको ज्यादा ही माइलेज दे रही है. अभी ज्यादा इंडिया में लोग प्रेफरेंस कर रहे हैं जो एससीवीयू सेक्टर में है, इनोवा है और टाटा व्हीकल्स है, हैरियर है और फिर एक क्रेटा थी. अब अपना जो दिस व्हाट वी आर सीइंग दिस मॉडल एमजी वाला, ये कहाँ पे फिट होता है, बिटवीन व्हाट क्लास ऑफ व्हीकल्स? सर, जो हम क्रेटा से तो ये काफी डिफरेंट लग रहा है मुझे, काफी बेटर है इसका. इस गाड़ी को जो हम कंपेयर करते हैं वो एसयूवी 500 से करते हैं. ओके. जीप कंपास से करते हैं. जो इसका इंजन होगा डीजल इंजन होगा, सेम जीप कंपास वाला इंजन होगा. ओके, ठीक है. इंजन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपकी, की इंजन जो है ये कौन सी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि फीएट इंजन है? सेम फीएट इंजन है. इट्स अ फीएट इंजन. यस सर. ऑलराइट. एंड इसके पेट्रोल जो 1.5 लीटर इंजन होगा वो एमजी का वो अपना पर्सनल इंजन है. राइट. इसमें हम लोग जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया है कि इसके अंदर जो टॉप वेरिएंट है उसमें एक सिस्टम लगा हुआ है जिसमें कैमराज है, रेयर कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा है. तो ये वेरिएंट कौन से वेरिएंट में आएंगे? अगर सर अगर बात करूँ 360 कैमरा की, वो सिर्फ हमारे सार मॉडल में आएगा. ओके. वो पैनोरामिक सनरूफ, 360 कैमरा, ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर, राइट. देन इन्फिनिटी म्यूजिक सिस्टम जो आपको टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल, जो बेसिक मॉडल है. क्योंकि जो कस्टमर है वो आजकल बड़ा प्राइस कॉन्शियस हो गया है, तो जो बेसिक मॉडल है उसमें हम लोग क्या क्या उनको देते हैं? डू वी गिव देम जो अलॉय व्हील्स होते हैं उसमें देते हैं या नहीं? सर, जो हमारा स्टार्टिंग मॉडल है उसमें अलॉय व्हील नहीं आते हैं. उसमें ओनली कीपैड म्यूजिक सिस्टम होगा. ओके. फ्रंट टू एयर बैग होंगे. ओके. प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ जाते हैं. और जो डोर्स हैं चारों डोर में चारों पावर विंडो होगी. राइट. और स्टीयरिंग सिस्टम भी कुछ फर्क होगा उसमें? स्टीयरिंग होगा, कंट्रोल्स नहीं होंगे. कंट्रोल्स नहीं होंगे. और जो वाइपर्स का आप बता रहे थे वो भी कोई फर्क होंगे उसमें वाइपर्स में? हाँ, नॉर्मल, वो नॉर्मल वाइपर्स होंगे. बट जो उसके अंदर जो एयर बैग है टॉप मॉडल, जैसे अभी हम लोग देखा है, इसके अंदर कितने एयर बैग है? टॉप में 6 एयर बैग. 6 एयर बैग है. देन इससे नीचे सेकंड जो टॉप आता है उसमें 4 एयर बैग आते हैं. 4 एयर बैग आते हैं. सो सेफ्टी फीचर वाइज, जैसे अब एक रेकमेंडेड है कि अगर आप ज्यादा एयर बैग रहेंगे तो सब पैसेंजर्स
will be safe. Yes, sir. And this will be, iski jo seating capacity, iska kitna apna hai seating capacity? 5-seater. It's a 5-seater. Yes, sir. So, agar driver hai, toh then 4 other people can join. Yes, sir. Right. And jo luggage space hai, uske baare mein thoda sa batayenge. 587 liter ka luggage hoga. Okay. Booty space jo hota hai. Right. Usme kya bachche log baith sakte hain? Kuch aisa hai? Sir, space acha hai. Normal, bilkul flat bed hai. Okay. Agar aap rear seat ko bhi flat bed bana sakte hain usme. Sabse plus point. Achha, usme wo adjustable hai. Yes, sir. To wo base model, top model, middle model, sab mein adjustable kar sakte hain. Because that's a very good feature jo log chahte hain. Camping karna chahte hain ya tourist pe apna leke jana cha rahe hain. Iska wheels ka kuch batayenge, sizes ka wheels? Sir, 17 inchi wheel aate hain. Okay. Jo normal hamara jo starting model hai usme wheel cap ke sath aayenge. Right. Second mein silver alloy wheel aate hain. Right. Then third and top mein dual tone alloy aate hain. Dual tone alloy, right. Dusri cheez aapne bataya abhi mujhe test drive ke dwara ki isme roadside assistance 5 years ka de rahe hain. Yes, sir. To wo kya teenon models mein all model mein wo standard hai? Standard hai wo. 5-year वारंटी स्टैंडर्ड होगी, अनलिमिटेड किलोमीटर. ओके. इसमें कोई टाइम नहीं होगा, कोई किलोमीटर नहीं होंगे कि आप आपको 1 लाख चलानी है, 2 लाख चलानी है, अनलिमिटेड आपके होगी. एक आपने फीचर इसमें हमें स्क्रीन पे भी दिखाया था जो हम लोग दिखाएंगे बाद में दर्शकों को कि आई कॉल. तो आई कॉल के थोड़ा सा क्या चीज है आई कॉल? सर, आई कॉल का बेनिफिट ये होता है कि आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से कॉल कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया. सिम इनेबल्ड है ये? यस सर, इंटरनेट इनसाइड. इंटरनेट इनसाइड में देख रहा था, बाहर आपने लिखा हुआ इसमें है, एयरटेल वो मैं जानना चाह रहा था. इसके अंदर एयरटेल की सिम आती है जिससे आप नेट ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी नेविगेशन लाइव देख सकते हैं, जो GPS चलता है वो हमारा लाइव होता है. गाना ऐप दी है इसमें हमारा, गाना ऐप से आप सारे सॉन्ग वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं, आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. देन इसमें आप जितने वॉइस कमांड है वो आपके नेट के थ्रू चलते हैं. 3 साल का सब्सक्राइब मिलता है इसमें, अनलिमिटेड कोई चार्ज नहीं होता. देन आफ्टर उसके बाद आपका अपडेट होगा, प्राइस जो भी अमाउंट होगा वो अपडेट. अभी इसकी जो प्रोडक्शन हो रही है अगर उसके थोड़ा सा जानकारी आप दें कि ये व्हीकल जो है इसका CKD किट्स में आ रहे हैं या इधर इंडिया में इसका प्लांट कहाँ पे है लोकेटेड? सर, इसका प्लांट गुजरात हलोल में है. हलोल में है? हाँ, इसका इसके 100% प्रोडक्शन सारी गुजरात में. ओके. तो वो डिलीवरी अभी इसका क्या शेड्यूल बना हुआ है फिलहाल? जो सर अभी जो वेटिंग चल रही है, करंट वेटिंग 3-4 मंथ की वेटिंग है. ऑलराइट. तो टॉप वेरियंट में कुछ जल्दी मिल जा रही है? नो सर, ऑल वेरियंट सेम. और बुकिंग में क्या प्रोसीजर करना पड़ता है कस्टमर को? सर, 50,000 बुकिंग अमाउंट होता है. हाँ जी. विद पैन कार्ड, आधार कार्ड. Right. अगर कंपनी के नाम पे आप लेते हैं, GST सर्टिफिकेट चाहिए होगा. Right. और कंपनी का पैन कार्ड चाहिए होगा. ओके. सो देन आफ्टर बुकिंग जो आप प्रोसेसिंग उसका ऑनलाइन करते हैं? ऑनलाइन भी है, मैनुअल भी. आप शोरूम में आइए, शोरूम का बेनिफिट ये होता है. हाँ जी. आप पर्सनल किसी एक आरएम से कॉन्टेक्ट रखते हैं. Right. बट ऑनलाइन में आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी बुकिंग किस आरएम के पास है आपको भी नहीं पता होगा. Yes. मुझे किससे कॉन्टेक्ट करना है, किससे नहीं करना है. Right. आपको नहीं पता. Right. होगा. तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप शोरूम पे आइए, शोरूम में किसी एक आरएम से बात कीजिए, वही आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल आपको अच्छी तरह बता पाएगा. अच्छी तरह बता पाएंगे. अभी आप लोग जो दिल्ली NCR में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे कि कितने शोरूम्स? सर, अभी हमारे 3 शोरूम है, एक गाजियाबाद में है. अच्छा जी. सेकेंड हमारा नोएडा में है जो हमारा मेन हेड ऑफिस है. देन थर्ड हमारा ये पटपरगंज में. जो नोएडा के शोरूम में क्या इससे बड़ा शोरूम है? हाँ, वो इससे बड़ा शोरूम है. और वहाँ पे अभी जो आपकी रिसेंट परसों जो लॉन्च हुई थी ईवी कार. हाँ, ईवी कार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है. यस सर. जो एक काफी उसमें जो कार जो एक्सपर्ट्स हैं और पब्लिक में काफी जोश है. यस सर. क्योंकि वो फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है. यस सर. ये आपने बोला हाइब्रिड है ये. हाँ. तो उसके अंदर आप कुछ थोड़ा सा अगर थोड़ी जानकारी दें दर्शकों को जिससे उनका उत्साह बना रहे और वो आगे चल के हम उसका भी कवरेज करेंगे. जो ईवी कार जो हमारी लॉन्च हो रही है, हुई है अभी 5 तारीख को, अभी पब्लिक के लिए नॉर्मली शो किया था. अभी उसमें लगभग 44.5 लीटर की बैटरी होगी. राइट. जो आपकी थ्री वो हाइब्रिड है क्या? नहीं, फुल इलेक्ट्रिक है. फुली इलेक्ट्रिक है. 213 कितने किलोमीटर चलती है वो सिंगल चार्ज? नहीं, 340 किलोमीटर. 340 चलती है. 340 चलती है. उसमें जो पावर होगी 350 टॉप पावर होगी. ओके. और 140 PS पावर होगी. चार्जिंग टाइम कितना रहता है उसमें? सर, चार्जिंग उसमें 3 पावर के आप 3 तरह से चार्ज कर सकते हैं. अगर सेम आप चार्जिंग हमारे जैसे शोरूम में आप खड़े हैं. हाँ. जब एक होता है कि आजकल दिल्ली जो गवर्नमेंट है सेंट्रल, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए चार्जिंग. हाँ, एक है हमारे जो सर्विस सेंटर में लगे हुए. हाँ, हाँ जी. सर्विस सेंटर में अगर मैं उसकी बात करूँ, अगर आप वहाँ पे इसे चार्ज करते हैं 40 मिनट में.
आपकी 80% चार्ज होती है, देन 70 मिनट में 100% चार्ज होती है. ओके ऑलराइट. एंड जो अगर घर पे मैं खड़ी करूंगा, हाँ. तो घर में मुझे क्या इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा सर? घर के लिए भी एक होता है कि कंपनी पहले आपके सर्वर होता है, सर्वेयर होता है, वो आपके घर पे आता है. हाँ जी. देन पहले आपके वहाँ पे चेक करेगा कि जो जहाँ एक इसकी अलग तीन तरह की चार्जिंग होते हैं. हाँ जी. आप घर पे भी आके वो आपके चार्जिंग का स्लॉट लगा के जाते हैं, जो चार्जिंग वो 7 से 8 घंटे में करेगा. ओके. देन अगर ओवरनाइट चार्जिंग, हाँ राइट, आप 7 से 8 घंटे में आपकी 100% चार्ज हो जाती है गाड़ी. देन एक थर्ड होता है जो हमारे एसी का स्लॉट होता है, एसी जो पावर स्लॉट है, राइट. उसमें आप लगाएंगे, देन उसमें आपका 13 to 14 hours लगते हैं, 13 से 14 घंटे लगते हैं. मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई ये गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर में, मान लीजिए मैं दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रैवल करता हूँ, तो दिल्ली से चंडीगढ़ तो मैं सही इजिली चले जाता हूँ, उसमें हो जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा मैं, और इसमें शायद एसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं सर, आप एसी चलाओ, एसी में भी कोई इतना फर्क नहीं. चंडीगढ़ में मान लीजिए फिलहाल जो है, अब दिसंबर में हम लोग 2019 में बात कर रहे हैं, तो चार्जिंग पॉइंट्स ऑल ओवर इंडिया नहीं बने हैं, हाँ. तो फिर वहां पे हम लोग कैसे उसको चार्ज करेंगे? नॉर्मल होटल में मान लीजिए गाड़ी खड़ी है, तो होटल में चार्जिंग कर पाएंगे उसको? सर होटल में कर सकते हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है. हाँ जी. आप चाहे उनका उसका पे कर सकता है, कोई कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कोई इतना बड़ा वो नहीं आता. जो चार्जिंग के लिए मतलब कोई गाड़ी में अपने पास इंस्ट्रूमेंट रहेगा, दो आपकी गाड़ी में जो नॉर्मल चार्जर होगा जिससे आप कहीं भी आप चार्ज कर सकते हैं. सेकेंड गवर्नमेंट के चार्जिंग स्टेशन में चार्ज कर सकते हैं, वो तो डिजिटली वो आजकल शुरू कर रहा है, उन्होंने स्कैन द कोड एंड चार्ज, राइट. और उसमें कितने घंटे में हो जाएगा होटल में? 13 to 14 hours. ओके. जो फास्ट चार्जिंग आप बोल रहे हैं, जो चार्जिंग पॉइंट्स में, वो आपने बताया कि बूथ किसी भी सर्विस सेंटर, किसी भी एमसी की सर्विस सेंटर में जाइए, आप 40 मिनट में 80% आप चार्ज कर सकते हैं. तो क्या वो गाड़ी मान लीजिए मैं आपको दिल्ली में खरीदता हूँ गाड़ी, हाँ. और मैं दिल्ली से अपना निकलता हूँ बॉम्बे, हाँ. और रास्ते में मतलब बॉम्बे की ड्राइव अराउंड 1200-1300 किलोमीटर है, हाँ. और मैं 2 halt करता हूँ, हाँ. मान लीजिए अहमदाबाद या और भी कहीं भी, तो क्या एमजी के जो शोरूम्स हैं या सर्विस सेंटर्स हैं, क्या मैं उनको वहाँ पे चार्ज करा पाऊंगा? आप चार्ज कर सकते हैं. आपका अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा. ओके, ठीक है. फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज़ कस्टमर्स को दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर सेल्स उनको कोई दिक्कत नहीं आए इलेक्ट्रिक बैटरी. अभी आप ऑल ओवर इंडिया आप इसको कहीं भी रिचार्ज कर सकते हैं, किसी भी एमजी के सर्विस सेंटर, राइट. अभी कोई चार्ज नहीं होगा. ओके, एक्सीलेंट. हाँ, अभी कोई चार्ज उसका नहीं. अभी बुकिंग हो रहा है? यस सर, बुकिंग स्टार्ट है. तो उसका बुकिंग जो है उसकी प्राइस भी कुछ आप इंडिकेट करना चाहेंगे? सर प्राइस इसमें दो मॉडल होते हैं, फाइनल ऑन रोड प्राइस इन मेजर मेट्रोस नहीं आया. ओके, नहीं आया अभी. नहीं, अभी एक्सपेक्टेड आपको जो है कि दो मॉडल इसमें आएंगे. ओके. एक टॉप होगा, एक सेकंड टॉप होगा. टॉप में आपको पैनोरामिक सनरूफ के साथ मिलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी, हाँ. okay. उसमें भी एक्सेलेंट. 90% तक आपका सनरूफ पूरा कवर हो जाएगा. नॉर्मल रहेगा विदाउट सनरूफ वाला? सर राउंड 20 से 25 लाख के बीच की कार होगी आपकी. ओके. जो अभी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि अपना ऑन रोड प्राइस आपका मैक्सिमम 25 लाख के बीच का, मैक्सिमम 25 होगी. बिकॉज आज मैंने देखा था अकबार में जैसे टाटा मोटर्स का था शायद एडवर्टीजमेंट, हाँ. टाटा मोटर्स ने भी कोई लॉन्च करी है, उन्होंने शायद 213 किलोमीटर और आप लोग का 343 बता रहे हैं, 340, हाँ. तो यू आर हैविंग 50% एक्स्ट्रा ड्राइव. यस सर. जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मेन पावर की. जैसे सीएनजी की जो समस्या है लोगों को, पब्लिक जो टैक्सीज में जा रहे हैं, तो देखे नॉट टेक लोकल कार, हाँ. जितनी भी लोकल, अगर मैं बात करूँ लोकल की, लोकल के लिए जो हमारी ईवी कार है वो सबसे बेस्ट है. ओके. आप एक बार ड्राइव करके देखो उसकी जो पावर है, शायद नॉर्मल आप पेट्रोल और इंजन की गाड़ियों से बहुत अच्छी पावर अच्छी रहेगी. वो उसका जो बहुत अच्छा दिया है, राइट, वेरी गुड. सो वी विल लाइक टू नाउ यू नो, अब और कुछ आप बताना चाहें इस गाड़ी के बारे में? ये जो टॉप मॉडल है इसमें कीलेस एंट्री थी, हाँ, स्मार्ट कीलेस एंट्री, स्मार्ट कीलेस एंट्री है, और ये मैनुअल वर्जन है. यस सर. तो जो हम लोग अगर बात करते हैं ऑटो वर्जन में, उसमें और इसमें तो सिर्फ वही ऑटोमेटिक जो वर्जन रहेगा, और मैनुअल वर्जन में और कोई फीचर्स में तो फर्क नहीं होगा? सर थोड़ा फर्क होता है. ऑटोमेटिक में आपकी जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट होती है, हाँ, वो इलेक्ट्रिकल होती है, वो इलेक्ट्रिकल. अच्छा. हाँ. देन मैनुअल में इसमें हाइब्रिड की बैटरी होती है नीचे, तो इसलिए सिर्फ ड्राइवर साइड आपकी इलेक्ट्रिकल, right. होगी. ओके. okay. बाकी एक आई स्मार्ट आपकी ऑटोमेटिक में एक प्लस पॉइंट और होता, हाँ, है कि जो हमारा आई स्मार्ट ऐप है उसमें हम अपनी गाड़ी, जैसे हमारी गाड़ी आउटसाइड खड़ी है, आप कहीं अपने घर से गाड़ी को इंजन स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं और एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं, right. वो फीचर्स आपको ऑटोमेटिक में ही मिलेगा, राइट.
वो हमारे मैनुअल में नहीं होगा। इसका स्मूथ है स्टार्ट। यस सर। और इसके अंदर आपने तो बताया था कि वॉइस कमांड्स हैं। यस सर। जो टॉप वर्जन में वो वॉइस में एलेक्सा की तरह आप उनको बोलते हैं कि विंडोज खोलिए, सनरूफ खोलिए, म्यूजिक लाइव ट्यूनिंग करिए, तो वो सब इसमें पॉसिबल है। यस सर। और इसकी कीमत अभी आप लोग ने जो मेट्रो में दिल्ली बॉम्बे में इसकी क्या कीमत रहेगी सर? अगर मैं मैनुअल पेट्रोल की बात करूं, हाइब्रिड जो हमारा माइल हाइब्रिड इंजन है, लगभग ऑन रोड 19 लाख के राउंड आता है, राइट। और ऑटोमेटिक की जो हमारा डीसीटी वर्जन आता है डीसीटी के नाम से, वो हमारा अराउंड 20 लाख 2000 की आती है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें पेट्रोल में। 1 लाख के राउंड। 1 लाख। और डीजल में? डीजल में 20 लाख 72,000 का ऑन रोड आता है। मैनुअल नहीं, हाँ मैनुअल, ऑटोमेटिक नहीं आता है। डीजल ऑटोमेटिक, अच्छा ठीक है, उसमें नहीं है। सो राइट, वेरी गुड विपिन जी, थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड मुझे तो इस गाड़ी में अभी कोई कमी नहीं नजर आई, और जैसे हम लोग पीछे गाड़ी का करते हैं एक रिव्यू, तो उसमें आई थिंक दिस गाड़ी, ये जो व्हीकल है, वी हैव टू गिव इट 5x5 पॉइंट्स, मतलब जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग हैं। अब कई बार उसको पैरामीटर्स इसमें, क्योंकि व्हील जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस एक बता दीजिए कितना है सर? 192 ग्राउंड क्लियरेंस होगा। तो वो भी काफी है आई थिंक कंपेयर टू दी अदर मॉडल्स। यस सर। बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस इज वेरी एसेंशियल जब आप रोड्स में, हाईवेज में बम्पर्स होते हैं, जब बैड रोड्स के ऊपर होते हैं। सर सबसे प्लस पॉइंट इस गाड़ी का एक चीज है, जो हमारा रियर सीटिंग पोजीशन है वो बिल्कुल फ्लैट दिया है। ओके, व्हाट डू यू मीन, उससे क्या मतलब? सर कंफर्ट इसलिए होता है, जो हमारा सेंटर में थर्ड पर्सन जो बीच में बैठता है जी, वो इजिली बैठ सकता है उसका। okay, जो समझ रहा हूं। हाँ, वो बिल्कुल फ्लैट है। राइट राइट, वेरी तो good. इसलिए वो सबसे मेन चीज है, जो थर्ड पर्सन बीच में बैठते हैं, जिन्हें नॉर्मल अदर कार में बैठने में प्रॉब्लम होती है, इसमें आप इजिली बैठ सकते हैं। और जो इंटीरियर्स हैं, जब आप इंटीरियर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके जो सीट्स हैं वो क्या, मतलब आप उसमें क्या दे रहे हैं? फैब्रिक की सीट्स दे रहे हैं या सर जो हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकंड मॉडल है? हाँ जी, वो फैब्रिक में होगा। फैब्रिक में होगा, और देन सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड टॉप मॉडल जो होगा वो हमारी लेदर सीट होगी। लेदर सीट्स। ओके, सो थैंक यू विपिन जी, एंड वी विश ऑल द बेस्ट to MG for entering into India and bringing world-class vehicles to all the people who want to drive an SUV. And this is something beyond an SUV, where you can have a taste of a super luxury car in India. Thank you, friends. Welcome, sir. Bye.